क्योंकि जिससे लोग ना हो गजाननम भूतगणाधिसीतम तपित जपो पलचारुवक्षरम उमाशतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्ने स्वर्पाणाधिपम्
स्वागतम गुरु स्वागतम गुरु स्वागतम गुरु ओ स्वागतम
बोलो चित्रगुप्त जी भगवान की जय। बोलो श्री चित्रगुप्त भगवान की जो भक्त नीचे बैठ सकते हैं फिर दो दिन तो मैं उनसे विनती करूंगा नीचे ही बैठे। सत्संग का आनंद हमेशा कथा का आनंद नीचे बैठकर के लिया जाना चाहिए। तो जिस भी किसी भाई को कोई शारीरिक समस्या ना हो मैं विनती करूंगा नीचे गद्दों पर बैठे, आगे आकर के बैठे। और आज इस माँ गंगा के तट पर प्रथम बार भगवान श्री चित्रगुप्त जी की ये पवित्र पावनी कथा श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी महाराज की मुखारविंद से आप और हम आज श्रवण करेंगे। मिलकर की जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री चित्रगुप्त भगवान की। माता इरावती की, माता नंदिनी की, आइए सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे। आज श्री भक्तजनों के साथ साथ हम सबका भी सौभाग्य है और मैं तो अपना बहुत सौभाग्य मानूंगा कि माँ गंगा के तट पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा आज माँ गंगा को सुनाने आए और ये पावन तट जहां पर आप समस्त भक्तगण विराजमान हैं देखिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा आप सब लोग प्रथम बार श्रवण कर रहे होंगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रभु की ये दिव्य कथा माँ गंगा के तट पर आप सभी लोग आशीर्वाद करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रेम पूर्वक सभी लोग प्रेम से बोले गंगे मैया की हर हर महादेव। बोलो चित्रगुप्त भगवान की, माता इरावती की, माता नंदिनी की। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का ये बीज मंत्र आप सब लोग भी दोहराएंगे।
लिए। ओम यमाये धनुराजाय श्री चित्रगुप्ताय
इतना सुंदर आयोजन। वैसे तो कथा के बीच में या विश्राम के समय हम बताते थे, लेकिन आज इतनी प्रसन्नता हुई जब मेरे पास में आपका ये कार्ड पहुंचा, जो निमंत्रण कार्ड है, इसमें जो आपने माला पिरोई है, जो मोती उसने पिरोए इस माला में, इतनी सुंदर माला है कि मैं समस्त आपके आयोजक मंडल को धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। डॉक्टर विशाल गर्ग जी, बहुत ही सुंदर आयोजन। श्री अमित सैनी जी, अमित जी से तो मिलने आपके उस दिव्य स्थान पर गए कि आपने बहुत ही सुंदर, एक सबसे बड़ी चीज है सभी लोग समाज सेवा में आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपके जो सुंदर आयोजन होते रहते हो, जिस प्रकार से आप समाज को जो वास्तविक आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा रही है। भगवान श्री चित्रकूट जी की कथा, ये दिव्य कथा, जब हम कहीं पर पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान चित्रकूट जी का नाम जप करने से ही समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ तो पाप की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि माँ गंगा स्वयं यहाँ विराजमान है, और जहाँ माँ गंगा आशीर्वाद दे रही हो वहां किसी के पाप कष्ट दूर करने नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, आज इस तट से माँ गंगा के किनारे माँ को सुना ही रहे हैं पूरा देश, पूरा विश्व, जो कथा जहां पर बैठ के श्रवण कर रहा है, माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलेगा और उनके निश्चित तौर पर आज सारे पाप जो सब नष्ट हो जाएंगे। आज ना उनका कोई पाप बचेगा, ना ही कोई कष्ट बचेगा। श्री निखिल वर्मा जी, डॉक्टर अनु शर्मा जी, देखिए बहनों ने भी कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, इतनी सुंदर माला जो आपने मोतियों को पिरोया है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का मां गंगा का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर, आपके परिवार पर, आपके समस्त मित्र गण पर, और आपकी जो ये संस्था चल रही है इनके अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं और जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, भगवान उन सबको सभी कष्टों से मुक्त करे। और आप सब लोग दिन रात इसी प्रकार से सबकी सेवा करते रहे, ये माँ गंगा से भी कामना करते हैं, ये भगवान श्री चित्रकूट से भी कामना करते हैं। श्री मोनू सक्सेना जी, श्री राम भत्री जी, श्री कुसुम श्रीवास्तव जी, श्रीमती मनीषा सूरी जी और श्रीमती मिनी पुरी जी, देखिए कितना सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में, और साथ साथ अपने इस छोटे भाई अनुज के लिए विश्वास सक्सेना, ये पूरा परिवार तुम्हारा खूब फले फूले, ये तुम्हारा परिवार है बेटा, ये तुमने जो बनवाया है इतना सुंदर, ये पूरा परिवार खूब फले फूले, और प्रभु की ऐसे ही आशीर्वाद तुम सबको मिलता रहे, और ऐसे ही सेवा केवल हरिद्वार ही नहीं आपकी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में करें, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज आप उस देव की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ये कैसी दिव्य कथा है जिसका आयोजन आप देखो कभी नहीं हुआ। ये जब घोर कलयुग आया, क्योंकि यही भगवान श्री नारायण का एक आशीर्वाद था कि जब घोर कलयुग आएगा, जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, जब अपना अपने का ही दुश्मन बन चुका होगा, जब अपने अपने के ही खिलाफ खड़े हो रहे होंगे, उस समय उस कलयुग घोर कलयुग में तुम्हें कलयुग के देवता के रूप में पूजा जाएगा, और जो जो इस कथा का श्रवण करेगा वो हमेशा के लिए पाप दोष से मुक्त होने के साथ साथ उस दोष से मुक्त हो जाएगा कि वह किसी का बुरा नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर ने जो ये मानव काया हम सबको दी है, ये सेवा के लिए दी है, ये समस्त जगत के समस्त प्राणियों की सेवा करने के लिए, हम सबका जो ईश्वर ने कर्तव्य जो कार्य निर्धारित किया वो सिर्फ सेवा करने का, और यदि उस सेवा में हमारे मन में कोई ऐसा पाप आ जाता है कि हम अपनों के ही साथ खड़े नहीं होते या अपनों से ही देश भाव ईर्ष्या रखने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर एक घोर पाप करने का प्रयास करने लगते हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर
किसी भी मानव के अंदर ये देश भाव जन्म लेने लगा तो समझ लीजिए वो घोर पाप की ओर बढ़ने का उसका प्रथम चरण प्रयास प्रारंभ हो चुका। क्योंकि ये देश भाव जो है यही मन के अंदर ऐसे ऐसे विचारों को उत्पन्न करने लगता है। जैसे ही देश भाव आपके मन में उत्पन्न होगा तो सबसे पहले अपने लोगों के साथ हीन भावना आने लगेगी, यानी आपने अपने अंदर उस राक्षस को जन्म देना प्रारंभ कर दिया है जो स्वयं आपको भी डसेगा और आपके समाज को भी डसने का कार्य करने लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में कभी भी किसी के प्रति अपने मन में कोई देश भाव मत रखो, कोई हीन भावना मत रखो। यदि हमारा कोई मित्र, हमारा भाई, हमारा संबंधी, हमारा अपना, हमारा पड़ोसी, हमारे क्षेत्र का, गांव का, शहर का, मोहल्ले का, कॉलोनी का व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा है और हमें सामर्थ्य नहीं है उसका सहयोग करने की, तो एक सामर्थ्य ईश्वर ने हम सबको दिया। हम उसकी आलोचना ना करें कि देखो कहां से इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना कार्य करना, इसका नाम हो रहा है। हमें ईश्वर ने, अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक कार्य अवश्य कर सकते हैं जो ईश्वर ने आप हम सबको दिया। उस साथी के साथ खड़े हो जाइए और कहिए हे भैया, हे बहना, जो भी हो कि मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है जो आप कार्य कर रहे हैं, बड़ा उत्तम कार्य कर रहे हैं, मैं आपका कोई अर्थ के साथ सहयोग कर सकूं, लेकिन एक सहयोग अवश्य कर सकता हूं कि यदि आपके ये बढ़ते हुए कदम कभी लड़खड़ाए और आप पीछे की ओर गिरने चले तो मैं हाथों का सहारा लेकर आपके पीछे खड़ा हूं, आपको पीछे नहीं गिरने। बस मन में एक धारणा रख लीजिए, एक प्रेम भाव से अपने साथी के प्रति एक सहयोग की मन के अंदर धारणा बना लीजिए कि अगर मैं कोई सहयोग नहीं कर सकता तो इतना तो कम से कम कर ही सकता हूं कि आपके लड़खड़ाते हुए कदम को लड़खड़ाने नहीं दूंगा और कम से कम मैं आपको पीछे नहीं गिरने दूंगा। और सारा दिन यदि आप पीछे खड़े हो गए तो निश्चित तौर पर वो अच्छे कार्य करते हुए, नेक कार्य करते हुए वो अपनी जिस लक्ष्य की प्राप्ति को निकला है तो आप भी उस लक्ष्य की प्राप्ति के भागी बनेंगे और ईश्वर इस चीज की, आपके इस कार्य की आपको निश्चित फल देगा और आपके घर में सुख शांति से जाती है। भक्तों, आज जिस देव की, जिस प्रभु कथा आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं उनका भी ये संदेश है और जो वृंदावन में उनकी भवपीठ बनी है वहां से भी ये संदेश है कि प्रेम भाव के साथ रहिए। क्योंकि हम कहां से आए हैं, हम आए हैं बांके बिहारी लाल की नगरी से, हम राधा रानी की नगरी से, जहां के कण कण में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, जहां के कण कण में हर देवी देवता का वास है, उस भूमि से और कहां आने का अवसर प्रदान हुआ है, मां गंगा के किनारे, मां गंगा के तट पर देव भूमि में आकर हम आप सबको कथा सुना रहे हैं और आप सब लोग प्रभु की कथा बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए उपस्थित हो। सभी लोग प्रेम से, क्योंकि हम जन्म भूमि से आए हैं, अगर उनकी जय नहीं हुई तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। प्रेम पूर्वक बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, हम आज तुम्हें श्री चित्रगुप्त की कथा सुनाते हैं, हम आज तुम्हें श्री चित्रगुप्त की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, क्या कहते वेद पुराण सभी प्रमाण बताते हैं, हम कथा गाते हैं, हम आज तुम्हें श्री चित्रगुप्त की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, क्या कहते वेद पुराण सभी प्रमाण बताते हैं, हम कथा गाते हैं, हम आज तुम्हें श्री चित्रगुप्त की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा गाते हैं, जय चित्रगुप्त।
चित्रगुप्त संरचना का संकल्प लिया। देखिए प्रभु की इस दिव्य कथा में आपको बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा, कई भ्रम आपके टूटेंगे। जब ब्रह्म परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि संरचना का संकल्प लिया तब अपने स्वरूप को तीन रूप में विभा दिया। कौन है वो तीन रूप? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्म परमेश्वर अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश उनका स्वरूप है जो साकार रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान होकर ब्रह्मा जी मां सरस्वती के साथ सृष्टि उत्पत्ति का कार्य कर देते हैं। प्रभु श्री नारायण मां लक्ष्मी के साथ हम सबका लालन पालन का कार्य करेंगे। देखने को निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आते हैं और महादेव मां शक्ति के साथ हम सबको मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रभु ने अपने तीन स्वरूपों को इस सृष्टि सुंदर सृष्टि संरचना के लिए साकार रूप में स्थापित किया और उनके आशीर्वाद से सर्वप्रथम क्या हुआ? ये पंच तत्व जिससे हम सबके इस मानव काया का ही निर्माण केवल नहीं हुआ, इस ब्रह्मांड से लेकर मृत्यु लोक तक जितना भी जो निर्माण है वो इन पंच तत्वों के साथ है। प्रभु सुंदर सृष्टि में सर्वप्रथम जो पंच तत्व बनाए वो क्या है? हम सब लोग भगवान को खोज रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं भगवान है, कोई कहता है नहीं है, कहां है। अरे भगवान तो जन्म लेते ही हमारे साथ तुरंत आ जाते हैं। जहां हम जन्मे हैं वही तो भगवान है। भगवान भा भूमि जहां आज सब हम सब विराजमान होकर हम कथा सुना रहे हैं और आप सब श्रवण कर रहे हैं, ये भूमि भगवान का एक अंश है। कहां से गगन, वहां वायु, अग्नि और ये मां नील स्वरूप में जो मां गंगा आपके सराबर में आप कल कल कहती बह रही है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। हर स्वरूप में भगवान है। एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां पर आपको इन्हीं पांचों स्वरूप को पूजन रूप में स्वीकार करने के लिए बताया है। हमारे समस्त ग्रंथ क्या बताते हैं? हमें वृक्षों में ईश्वर बताए गए, हमें कल कल के बहती हुई नदियों को मां गंगा का स्वरूप में बताया गया, मां सरस्वती के रूप में बताया गया, मां नर्मदा के रूप में बताया गया, मां यमुना के रूप में हमने पूजन किया। ये केवल कौन सिखाता है? सनातन धर्म। और आज ये पूरी दुनिया जो पहले कभी सनातनी हुआ करती थी आज वही सनातन विरोधी बनी बैठी है। लेकिन कितने प्रयास कर लिए, कितने लाखों प्रयास हुए, लेकिन सनातन आज भी एक दृढ़ संकल्प के साथ स्थापित है
और रहेगा, कोई कितने भी जतन कर ले सनातन का कभी सर्वनाश नहीं हो सकता। अगर होगा तो उनका होगा जो सनातन के विरुद्ध में कार्य करे। प्रभु ने हमें भगवान हर स्वरूप में दिखाया, वृक्ष में दिखाया, पृथ्वी में मां पृथ्वी कहते हैं, देवी माता तब कितनी करुणा होती। हम जिस पृथ्वी मां पर विराजमान है, इसी पे हमारे घर है, हमारे मकान है, इसी पे बिल्डिंग है, कार्यालय है, यही से जो अन्न उत्पन्न हो रहा है उसी पे हल चलाते हैं और माँ के हृदय को खोद कर उसमें से अन्न निकलता है और माँ हमें अन्न दे के जाती है जिससे हमारा जीवन यापन। भगवान के ये पांच स्वरूप ये इसलिए है कि हम स्वरूपों ये पांचों स्वरूपों की सेवा कर। प्रभु ने जब इन पंच तंत्रों का निर्माण किया उसके पश्चात जीव जंतुओं का वनस्पति का निर्माण किया, सब हम वनस्पति आई। अब वनस्पति का सेवन कौन करेगा, उसके लिए जीव जंतु बनाए गए, पशु पक्षी बनाए गए। इस सुंदर सृष्टि बनी और प्रभु ने जब देखा कि सब कुछ स्थापित हो चुका है लेकिन इनकी सेवा कौन करेगा, क्या कोई पशु पक्षी आके पेड़ों को जल के दे सकता है, अगर कोई वृक्ष को जल की आवश्यकता है, खाद तो वो अपने आप बना लेता है, जो अपने पतझड़ आते हैं वही दल के वही बरसात के बाद में अपनी खाद बना लेते हैं, उन्हें अपना जीवन जीने की क्रिया उनके पास है। लेकिन ईश्वर ने देखा कि हमें पशु पक्षियों को जो बनाया है, जो ये वनस्पति बनाई है, जो ये जीव जंतु बनाए हैं, इनकी सेवा करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तब प्रभु ने सबसे सुंदर सृष्टि के सबसे अनमोल रत्न का निर्माण किया और वो क्या किया, अपनी ही छवि उतार कर माताओं बहनों पुरुषों की तरह बना दी कि मानव काया के रूप में इस पृथ्वी लोक पर जाएंगे और वहां पर जाकर इस सुंदर सृष्टि जो संरचना हुई है इसकी सेवा कर। लेकिन प्रभु ने जो सबसे सुंदर छवि बनाई और वो भी कौन सी, बोले अपना ही एक अपनी ही एक छवि को उन्होंने पृथ्वी लोक पर मानव रूप में भेजा कि जाकर आप सब लोग वहां पर समस्त प्राणियों की सेवा करिए। लेकिन क्या होता है, वो मानव जो सबसे सुंदर संकल्प और कल्पना थी प्रभु की, वही जब पृथ्वी स्मित लोक पर आता है तो वही शिक्षा दीक्षा के अभाव में, वह शिक्षा के अभाव में, वह अज्ञानता के अभाव में सबसे बड़ा दानव बन जाता। क्या प्रभु की बनाई हुई सुंदर सृष्टि का भक्षण करने लगता है, मेरे प्यारे भक्तों, हम सब के ऊपर जन्म से लेकर हमें अंतिम यात्रा तक जो सबसे अटल सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है, आज जिनकी आप कथा सुन रहे हैं यहाँ पर विराजमान है कि सबसे अगर हमने जन्म लिया है तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हम यहाँ आए हैं, इस मृत्यु लोक से हमें वापस भी जाना है। इस अटल सत्य को जानने के बाद भी हम सब के मन में कुछ देर की पीड़ा होती है, जब हमारे बीच से कोई जाता है तब लगता है ये क्या करके गया, क्या लेकर गया और क्या देकर गया। आज ये जितनी संस्थाएं मिलकर प्रभु की इस कथा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं, मैं तो लगातार देखता हूँ आप सबके फेसबुक पेज पर कि कोई ना कोई आयोजन, चाहे भागवत कथा हो, चाहे प्रभु का किसी भी रूप में स्मरण करना हो, आप सब लोग करते रहते हैं और सुंदर कार्य करते हैं।
प्रभु कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं कि प्रभु की बनाई हुई सुंदर सृष्टि का कहीं ना कहीं जरूर दुरुपयोग करते, तिलवाड़ करते। मेरे प्यारे भक्तों, हम सब जन्म से मृत्यु तक अपने ऊपर पूरा एक वृक्ष को समर्पित करवा लेते हैं। हम जब जन्म लेते हैं और जब हम अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं, तब तक एक वृक्ष की लकड़ी हमारे ऊपर लगा दी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 वृक्ष लगा कर जाएं। एक तो प्रभु का दिया हुआ जो वरदान हम पर समर्पित हुआ, उसका कर्ज पूरा करें, और उस कर्ज को पूरा करने के लिए आपके द्वारा लगाए गए 10 वृक्षों में से अगर सब चल जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं है तो वो भी आपका प्रभु का कर्ज है। माता कर्ज उतारना होता है, पिता का भी कहते उतारना है, लेकिन कोई ना माता उतार पाया ना पिता कर्ज उतार पाया। प्रभु ने ये कहा है अगर 10 लगा दोगे तो आने वालों के भी काम आ जाए। प्रभु की सुंदर सृष्टि की हम लोग किस प्रकार से आज बनाई हुई सृष्टि में वेलना करते हैं, कल भी हम सब हमेशा चर्चा कर रहे हैं। कल दिल्ली में आयोजन देखिए, अपने ही भारत में, अपने ही देश में, सनातनी देश के अंदर हम लोगों को अपने अधिकारों को लड़ना पड़ा। कल भारत के समस्त संत दिल्ली के अंदर एक मंच पर आकर एक अधिकार मांग रहे हैं, इच्छा नहीं मांगेंगे हम उसके, अधिकार मांग लेंगे कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। सनातन के साथ हो रहे खिलवाड़ का जवाब कोई नहीं दे सकता। हमारे भगवान पर कितने कितने किस किस प्रकार की फिल्में बना दी, किस प्रकार के सीरियल दिखाए जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रभु का उपहास उड़ाया जा रहा है, और हम सब लोग मूक दर्शक बने हुए उनको देख रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं देते। और अगर कुछ आता है उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे कि आप भी देखो, उसका प्रचार बढ़ा देते हैं। जो ऐसे गलत कर रहे हैं हमें उनको जवाब देना होगा, और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हम सबको, हर घर को, हर परिवार को, हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को, हर बेटे को, हर पुरुष को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना होगा कि ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया तो सनातन में दिया, और सनातन की रक्षा के लिए हम सबको कार्य करना। जब प्रभु की इस सुंदर सृष्टि में बनाए गए मानव का ये रूप होने लगा और वो दानव रूप में जाने लगे, इसकी जब ये समस्या जब वैकुंठ धाम पहुंचती है तो तीनों देव तीनों माताओं के साथ में चिंतन करने लगते हैं कि हमने जो सबसे सुंदर इस सृष्टि का जीव बनाया, जिसको मानव रूप में हमने पृथ्वी लोक पर भेजा, आज वो क्या होता जा रहा, हमारे द्वारा बनाई हुई सुंदर सृष्टि का सुधार कर रहा। इस सुंदर सृष्टि के अंदर इस सुंदर स्वरूप ने दानव रूप रख लिया, जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ में भंग डाल रहे हैं। उनके प्रभु के द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों का संहार कर रहे हैं, बृहस्पति का संहार कर रहे हैं, ये सब चिंतन करने तीनों देव तीनों माताओं सब विराजमान, और तीनों माताओं के साथ मंता करने लगे कि ये क्या हुआ, जो सबसे सुंदर संरचना थी आज वो हमारे लिए इस प्रकार से दुख देगी, कभी हमने सोचा नहीं था। वो ऐसा मंथन कर रहे होते तभी वहां पर प्रभु श्री नारायण प्रकट होते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण।
लेकिन एक बात का विशेष रूप से जान लेना चाहिए।
ये मात्र शक्ति है जिसने धर्म को बचा रखा है और हम सबको बचा रखा है। इसी ने जन्म दिया है और मां एक मात्र शक्ति ऐसी होती है, कितने बड़े से बड़ा संकट आ जाए। ये सभी पुरुष जरा ध्यान से सुनने इस बात को। जी फोन जल्दी जल्दी दर्द कर दी, चलो कर दीजिए आप गा दीजिए। कितना घोर संकट आ जाए किसी मनुष्य के ऊपर, बाबी जी रह गई पीछे से दोबारा आ जाएगी फोटो, और वो दर्द की ठोकर खाता रहे अपने दोस्तों के साथ, आइए अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करता रहे, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। और अगर उसने उस समस्या को आकर अपने घर की माँ बहन बेटी पत्नी के साथ बता दिया तो निश्चित तौर पर मात्र शक्ति नहीं ऐसी शक्ति होती है कि वो आपको उस घोर समस्या से निकाल कर बाहर ले। केवल जननी नहीं है मां, हम सबकी एक शक्ति है मां, हम सबकी एक ताकत है। प्रभु के ऐसे वचन सुनने के बाद में नारद जी की ओर निहारते हुए तीनों देव तीनों माताओं की ओर देखने लगते हैं कि हम तो इतनी घोर संकट में हैं, और अब तक नारद जी कह रहे हैं कि तीनों माताओं के पास समाधान है, तो ये तीनों माताओं पे ऐसा क्या समाधान है ये बता देती कि आज जो वृद्ध लोक परिस्थिति बनी हुई है, जिसे हमने मानव रूप में जन्म दिया है, आज वो दानव रूप में वहां पर तांडव कर रहा है, वहां की सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है। और आज इस समस्या पे जब हम लोग चिंतन करने बैठे तो तीनों माताएं इस चिंतन को सुन तो रही है लेकिन इसका समाधान नहीं बता पा रही। तीनों देव जब तीनों माताओं की ओर निहारते हैं तो तीनों माताएं उनसे माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति माँ शक्ति को देखती है, मुस्कुराने लगती है, तो माँ शक्ति कहती है हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, जब इस सुंदर सृष्टि की संरचना का परम ब्रह्म परमेश्वर ने संकल्प लिया और अपने स्वरूप को तीन रूप में विभाजित करके आप तीनों को स्थापित किया, प्रभु श्री ब्रह्मा का कार्य मेरे साथ सृष्टि उत्पत्ति का, प्रभु श्री हरिनारायण का कार्य मां लक्ष्मी के साथ लालन पालन का, और प्रभु महादेव का कार्य मां शक्ति के साथ मोक्ष प्रदान करने का, तो आपने इस बात को क्यों ध्यान में नहीं रखा कि ये समस्त कार्य कर्म पर आधारित है, इन समस्त कार्यों को करने के लिए आप तीनों देवों को जो निर्णय लेने हैं वो तो किस आधार पर लेने, कर्मों के आधार। आप तीनों देव तो विराजमान हो गए, हम तीन देवियों के साथ में तीनों देवों का अपना अपना कार्य निर्धारित हो गया, लेकिन जो तीनों का देवों को कार्य करने थे वो करने के साथ आधार पर कर्म के आधार, तो कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता समय समय पर ये बताएं
कि जो पुण्य आत्मा अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम में आ रही है, इसको 84 लाख योनियां है। सनातन धर्म ब्रह्मा जी को किस योनि में प्रवेश देना है, ये कर्मों के आधार पर निर्धारित होना है, तो बताने वाले देवता कहां है। जब तक वो भी बैकुंठ धाम में आप तीनों देवों के साथ विराजमान नहीं होंगे, तब तक कैसे ये ज्ञात होगा कि इस पुण्यात्मा को कर्मों के आधार पर किस योनि में प्रवेश दे। आप सबने बहुत सी कथाओं में सुना होगा कि दानव भी महादेव का जप करने लगे, तप पर बैठ गए और उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया, और महादेव जब प्रसन्न हुए तो बोलो क्या बल मांगना है। उन्होंने नहीं पता ये दानव ये मानव, उन्होंने से प्रभु का जब किया, और जब से कहां पहुंचे प्रभु के पास पहुंचे, बोले हे प्रभु मुझे तो भस्म करने का वरदान दे दो। तो भगवान ने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिया, और वो भस्मासुर बोले क्या करूं, बोले सबसे पहले ये देखो ये वरदान काम करेगा या नहीं करेगा, ये वरदान किसी कार्य का है या फालतू ऐसे ही हवा में दे दो। तो वो महादेव को ही भस्म करने चल देता है, महादेव आगे आगे और भस्मासुर पीछे। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ हमारे महादेव, उन्होंने नहीं देखा किसके कर्म क्या थे, ये किस प्रकार का उदंड कर मृत्यु लोक पर आ रहा है, पृथ्वी लोक पर आ रहा है, ये राक्षस ये दानव, उसने सिर्फ जप किया उसने तप किया और महादेव प्रसन्न हो गए, उसको भस्म करने का वरदान। कितने राक्षसों ने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर दिया, जो देवों के पास होना चाहिए था वो असुरों के पास भी पहुंच गया, क्योंकि उस समय तक कर्मों के आधार पर निर्धारण नहीं हो पा रहा। अब मां कहती है कि हे प्रभु जब समस्त कार्य कर्मों के आधार पर है, जो पुण्य आत्मा अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम को आई है, उसको किस योनि में प्रवेश देना है कि कर्मों के आधार पर धन होना है, तो कर्मों के आधार पर देने वाले देवता कहां है, बताने वाले देवता कहां। प्रभु श्री नारायण को मां लक्ष्मी के साथ किसको दान दुख देने हैं, किसको अपार सुख संपत्ति देनी है, कर्मों के आधार पर ये बताने वाले देवता। हे प्रभु किसको मोक्ष प्रदान करना है या नहीं करना है। अब कोई राक्षस पहुंच गया महादेव के चरणों में जब करते हुए महाराज प्रभु बोले हाँ बताओ, बोले बच्चे कार्य करके आए, बोले क्या करके आए, बोले सब भलाई भला करके आए, कुछ बुरा किया ही नहीं मैंने, बोले क्या बोले मोक्ष दे दो। अब मैं तंग आ गया, तंग आ चुका था, वो लोगों को परेशान कर करके बोले बहुत दुखे दे रही है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कार्य हो गया, मुझे मोक्ष दे। तो ऐसी आत्मा को मोक्ष मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बताने वाले भगवान नहीं है विराजमान। कोई पहुंचा श्री नारायण का जब करते करते प्रभु बहुत आपने जितना धन दिया उस सेवा में लगा दिया, किसकी सेवा करी, बोले असहाय की करी, गरीब की करी, पता चला उस धन से उसका दुरुपयोग किया उसने, और धन के दुरुपयोग से वो गरीबों को सता करा, ब्राह्मणों को सता करा, ऋषि मुनियों के यज्ञ में भंग डाल कर आ रहा है, प्रभु प्रसन्न होकर ले जाओ धन ले जा। तो जब तक देखिए आप सबने यहां पर हमारी कुछ बहने भी हैं, सबकी संस्थाएं चल रही हैं, जब कोई संस्था बनाते हैं तो एक मेमोरेंडम बनता है उसका कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं, हमारा क्या कार्य क्षेत्र होगा, हमें अपने प्रांत में शहर में करना है, पूरे राष्ट्र में करना है, उसमें हमें क्या क्या मुख्य कार्य करने हैं। महिलाओं ने बनाया तो महिला उत्थान का बात करने लगे, बच्चों के कल्याण की बात करने लगे, पुरुषों ने बनाया तो बोले इसमें सब कुछ ले लो,
इससे वृक्षारोपण भी होगा, जल संग्रह भी होगा, जल संचित करने का कार्य भी होगा, समस्त चीजों का बनता है। ये प्रधान होता है और कोई राष्ट्र बनता है तो उसका संविधान बनता है, और जब सृष्टि बनी तो क्या इसका संविधान नहीं होना चाहिए था? अगर था तो लिखने वाले कौन थे, वो बताने वाले कौन थे, नियम कानून होने क्या चाहिए थे? ये सब कुछ जब ध्यान आता है और माँ शक्ति इस बात को जब तीनों देवों तीनों माताओं के समक्ष रखती हैं, तब तीनों देवों को इस बात का ज्ञात होता है कि वास्तव में एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि तीन देव तो हैं लेकिन चौथे देव वो यहां पर विराजमान नहीं है, जिनका कार्य हम सबको समय समय पर ये बताने का है कि कब किसको किस योनि में प्रवेश देना है, कब किसको दारुण दुख देने हैं, किसको पास संपत्ति देनी है, किसको मोक्ष प्रदान करना है, उस देव की भी बहुत आवश्यकता है। और ये जब आवश्यकता का ज्ञान मिलता है तब ब्रह्मा जी संकल्प लेते हैं और वो तप करने के लिए चल देते हैं। ब्रह्मा जी आप सबको जो पहले कथाएं सुनी वहां एक भ्रम था, सबने ये कथा में सुना होगा कि ब्रह्मा जी ने तप किया सहस्र वर्षों तक, तब भगवान चित्रूप जी प्रकट हुए, लेकिन वहां पर एक ये सत्य था जो ये सत्यता है कथा में, लेकिन एक उसके अंदर जो गलती डाली गई वो सिद्ध ये डाली गई कि यमराज के कहने पर ब्रह्मा जी तपस्या करने गए, यमराज के कहने पर नहीं माँ सरस्वती के कहने पर ब्रह्मा जी तपस्या करने गए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी तो हमारे जन्म से हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। आजकल आ रहे हैं ना सीसीटीवी में, आप लोग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बेल्ट नहीं बांधी तो एक आपके मोबाइल में फोटो के साथ आता है कि 2000 रुपए का चालान फोटो खिंचाओ, बोले बेल्ट नहीं बांधी थी। बाइक पे जा रहे हैं बोले 1000 का चालान, बोले हेलमेट नहीं लगा था। ये तो आज आया है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी तो आपके रोज की एक फोटो खींचकर तैयार करते जा रहे हैं कि आज तूने क्या अच्छा किया, तूने क्या बुरा किया। हमने आप लोगों को कथा प्रारंभ होने से पहले एक मंत्र का सबसे जाप कराया था, ओम यमाये धर्मराजाये चित्रगुप्ताये वै नमः। क्या कह रहा है मंत्र? ओम यमाये, वही यम है, वही धर्मराज है, वही चित्रगुप्त है, तो यमराज से कहने पर चित्रगुप्त को बुलाने कैसे यमराज ब्रह्मा जी जा सकते? जब तीनों देवों को इस बात का ज्ञात हुआ कि हमें जो कार्य करने हैं केवल भगवान चित्रगुप्त जी मृत्यु और जन्म का लेखा जोखा नहीं कर रहे हैं, केवल हमारा नर्क स्वर्ग तय नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन से जन्म लेते ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी हमारे समस्त कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं। वो केवल पाप पुण्य का केवल इतना लेखा जोखा नहीं है, इसको नर्क भेजना स्वर्ग भेजना है, आपके कर्मों के आधार को किस योनि में आपको जन्म लेना है यह भी निर्धारित भगवान चित्रगुप्त जी कर रहे हैं। आपके कर्मों के आधार पर आपको दारुण दुख मिल रहे हैं, अपार सुख संपत्ति मिलनी है, इसका निर्धारण भी भगवान चित्रगुप्त जी कर रहे हैं। आपके कर्मों के आधार पर आपको मोक्ष मिलना है या नहीं मिलना है, इसका निर्धारण भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। अब तीनों देव मां सरस्वती की वाणी को सुनने के बाद में बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी वहां से उठकर तप करने का संकल्प लेकर चल जाते हैं कि जब तक मैं उस चौथे स्वरूप को साकार रूप में लेकर नहीं आता तब तक मैं वैकुंठ धाम में आप उसी दोनों देवों के बीच में तीनों देवियों के बीच में विराजमान नहीं होगा। और इस संकल्प के साथ ब्रह्मा जी वहां पर सहस वर्षों तक तप करते हैं। एक मिथ्या और जिस मिथ्या को तोड़ने का आज प्रयास हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर हुआ है, मां गंगा के तट पर हुआ है कि भगवान कभी किसी एक जाति विशेष के नहीं हुए। हम लोगों ने बहुत सा मान लिया कि भगवान चित्रगुप्त जी तो केवल एक जाति कायस्थों के लोग किसी भगवान के, अरे वो सबके कर्मों के आधार पर था
फल देने वाले देवता हैं, इसलिए हम सबके देवता हैं, इसीलिए आज हमारे समस्त परिवार बैठकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की कथा माँ गंगा के किनारे तट पर करवा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद है, आप सबको साधु। प्रभु सबके होते। अब हमारे भाग्य बिहारी लाल जहां से हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान श्रीमती प्रकट हो गई, प्रभु ने जन्म लिया कहा यदुवंश में, तो क्या बोले केवल यादव के रहेंगे, हम नहीं पूजेंगे, ये वंशियों के भगवान है, हमारे भी है। देखो प्रेम की नगरी है, वास्तव में वहां जो चला गया, हम भगवान की पीठ बनाने के लिए उत्तराखंड भी आए, उत्तर प्रदेश में बहुत भटकते रहे, और जब पीठ बनाने वहां पहुंच गए तो अक्टूबर 2022 में पहुंचे थे, और आज की स्थिति यह है जब आप लोग कथा को बुलाते हो तभी बहाने से 2 दिन को निकल के आ पाते हैं, वरना उन्होंने तो ऐसे राधा रानी और हमारे प्रभु कृष्ण ने ऐसी बेड़ियां डाल दी, बोले यहां से नहीं जाएगा। रज की रज जिसके माथे पर लग गई, ब्रज की रज जिसके चरणों को छू गई, वो ब्रज छोड़ी नहीं सकता, ऐसा है ब्रज राम का, ऐसे हमारे काना जी, ऐसे हमारी राधा रानी, प्रेम की नगरी है, इसीलिए हम यहाँ प्रेम का संदेश भी लाए, आपसी प्रेम भाईचारा इतना बनाकर रखो, भाईचारा मतलब सनातन के लिए बहुत रखना पड़ेगा, बाहर वाला भाईचारा हमारा आजकल खराब हुआ, उसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, वहां पर चारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम भाईचारे की बात करने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये हमारा चारा आ रहा है, जैसे अजगर है ना, अजगर को जब पालो, जब अजगर को पालते हैं तो एक कहानी शायद आप सबने सुनी हो कि एक माँ ने अजगर पाल दिया है महिला ने, वो अजगर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब वो एक अपना आकार स्वरूप लेके तैयार हो गया कि इतनी इसकी स्वरूप हो चुका है, तो कुछ दिन से उसका खाना अपना छोड़ दिया और अल्टी पल्टी मारने लगा, उसे माँ वो महिला वो माँ जो थी वो बच्चे की तरह पालती थी कि बच्चा है मेरा, बच्चा है मेरा, बच्चा है, अब वो बड़ा परेशान हो गई कि अजगर कुछ खा नहीं रहा है, वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को जब बताया बोले क्या हुआ, बोले इसने कई दिन से 15 दिन से कुछ नहीं खाया, बोले खाया और बेचे नहीं रहा है, बोले हाँ, बोले अब ये तुम्हें खाने जा रहा है, अब ये तुम्हारे साइंस को नाप रहा है कि तुम्हें निकलना है इसको, इसलिए ये भूखा भी रहना है, अपना पेट भी खाली कर रहा है, और तुम्हें नाप रहा है कि तुम्हें निकल के अपने शरीर में ले जाएगा नहीं ले जाएगा, इसलिए ध्यान रखो ये भाईचारा, चारा मत बन जाना, भाई तक सबको सीमित रखना, ये तो ठीक है, लेकिन सनातन के लिए हम सबको बहुत कुछ बदलना और सोचना भी पड़ेगा। तो प्रभु ये सब संदेश कथा में कथा का है क्या, ये सत्संग जो है वो केवल आपको एक कथा सुनाने मात्र तक नहीं है, सत्संग का उद्देश्य ये भी है कि हम अपने परिवारों को सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए अपनी बेटियों को अपनी माताओं को, क्योंकि जमाना बहुत बदल गया, इस समय वो समय नहीं रहा जो पहले वाला कभी प्रेम भाई का हुआ करता था, कभी वास्तव में भाईचारे की बात होती थी, वो होता भी था, प्रेम भी बहुत देखा गया, लेकिन अब वो समय बिल्कुल बदलता चला गया, और प्रभु ने तो भेजा ही हम सबको इसी कार्य के लिए कि हम सब लोग यहां विराजमान होकर केवल एक ही कार्य करने नहीं आए हैं कि हमने जन्म लिया, अपना परिवार बढ़ाया, फिर परिवार का चिंतन शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरा परिवार कैसे सुखमय रहेगा, इसे अच्छा घर देना है, अच्छी गाड़ी देनी है, अच्छी व्यवस्थाएं देनी है, उसके बाद हमारा कार्य पूरा हो गया, बोले जी अब रोड रिटायर हो गए, बोले हाँ, क्या करा, बोले घर बना दिया, एक गाड़ी लेके दे दी, मेरा कार्य पूरा हो गया। अरे प्यारे भक्तों, प्रभु ने तुम्हें सिर्फ इतने कार्य को नहीं भेजा है,
इसके बाद भी तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े कार्य बचे हुए हैं। इस सृष्टि की सेवा करने को भेजा है, समस्त प्राणियों की सेवा करने को भेजा है। आपका कार्य केवल आपके परिवार तक ही सीमित नहीं होता, आपको परिवार से बाहर निकलकर भी देखना होगा। आपके परिवार को चलाने के लिए, आपके बच्चों को जीवित रखने के लिए ये शुद्ध वायुमंडल भी चाहिए, ये शुद्ध गंगा जल भी चाहिए। अगर ये शुद्ध नहीं रहेगा, अगर ये हवा शुद्ध नहीं रहेगी, तो कब तक आप जीवित रहोगे? तो कब तक आपके नौनियाल, जिनके लिए आप करोड़ लाखों रुपए इकट्ठा करने में दिन रात लगे हैं, तो क्या काम आएंगे? भारत का एक रत्न जिसको रतन टाटा कहते थे, क्या कमी थी धन की? अगर धन से ही जीवन चल रहा होता तो वो भारत का रत्न आज भी आपके साथ में विराजमान होता। लेकिन उसने भारत का रत्न बन के भारत की सेवा करी, अपने धन का सबसे बड़ा हिस्सा समाज के लिए लगाया। उसने कितने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, उसने कितने बड़े बड़े सामाजिक संस्थान बना दिए, जिससे पैर जिनके घुटने नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पैर नहीं है उसको पैर देने का कार्य कर दिया। कोई कैंसर से पीड़ित है, कैंसर का इलाज कराने की व्यवस्था कर दी। उसने भी अपने जीवन काल से परिवार घर से बाहर निकल के सोचने का कार्य किया। तो हम सब लोग जितना इस प्रभु ने दिया है, और आप लिख के रख लीजिए, आपके पास जो है परिवार का एक सीमित दायरा बनाने के बाद आप उसको समाज में लगा कर देखिए, और अगर वो ना बढ़ जाए तो आप बताइए। जिसने भोजन बांटा उसके घर में ईश्वर ने कभी किसी धन की कमी नहीं होने दी। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उस परिवार के साथ सदैव बना। जिसने किसी असहाय की सेवा करी, दिखावे काम मत करिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को निमंत्रण देने गया, भगवान जितू जी का भव्य प्रतिमा बनिए 51 फीट की वृंदावन में, तो बड़ा प्रसन्न होकर मुझसे वार्ता करने लगे। बोले क्या क्या कार्य कर रहे हैं? तो मैंने एक कार्य बताया कि हमने अभी पिछले वर्ष 10 मई को गरीब कन्याओं का विवाह किया। तो बोले महाराज जी बुरा मत मानना, देखिए एक संत है, उनकी सोच सोच रहे, केवल मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये कन्याओं का विवाह सरकार करवा रही है निःशुल्क, और आप सब में इतना सामर्थ्य है कि आप डीएम को लिख के भेज दीजिए, ये बच्ची हमारी है, इसका विवाह भी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार दहेज नहीं देती, घर परिवार केवल आपका सुंदर विवाह करवाती है। वहां संतगढ़ भी आते हैं और मंत्रीगण भी आके आशीर्वाद दे के जाते हैं, बहुत आयोजन होता है। बोले जो धन आप शादी पे व्यर्थ खर्च करने जा रहे हैं, लाखों का पंडाल लगा रहे हैं, भव्य रूप से दिखा रहे हैं, उस धन को बचाकर एक काम करवा दीजिए। मैंने बताइए महाराज जी क्या करना है? बोले अभी कोरोना काल में बहुत से परिवार, अच्छे अच्छे परिवार ऐसे हुए कि किसी की मां चली गई, किसी का पिता चला गया, बच्चे छोटे छोटे हुए और शिक्षा के अभाव में वो परेशान है, क्योंकि पढ़ना चाहते थे, उनपे धन के अभाव में वो शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो वो धन पूर्ति के लिए आप वो पैसा वहां लगा दीजिए, और आप एक नहीं 100 नाम लिख के भेज दीजिएगा, 100 कन्याओं का विवाह सरकार करवाएगी। एक बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विचार के लिए हो जाए। उन्होंने हमारा एक मार्गदर्शन किया, हमने ठीक है महाराज जी, हमें तो कार्य करना है, हमें जो धन आ रहा है, हमारे भक्त जो उन्हें दे रहे हैं, हम कन्या विवाह से हटकर शिक्षा में लगा दें। तो हमने उस बात पर विचार किया, तो हम आप सबसे भी कहते हैं, केवल कुछ दिखने वाला ही नहीं होना चाहिए, कुछ करने वाला भी होना चाहिए। और प्रभु भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से लगभग 7 या 8 बच्चों की जो फीस है, शिल्पा जी बता देंगी, शायद 7-8 बच्चे होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, उनकी फीस श्री चित्रगुप्त पीठ से जा रही है। परिवार आने शुरू हुए मिले, और अधिकतर ऐसा हुआ है कि उस परिवार में माता पिता दोनों ही चले। हम सबका सहयोग करें, केवल मैं मान की भावना से ना करें, हम करें हम की भावना से हम सभी के कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। और क्योंकि
अब समय आ रहा है भगवान चतुर्थ जी के प्रकट होने का, इसलिए थोड़ी आपके भगवान चतुर्थ जी की आने में विलंब हो रहा है। तब तक हम आपको समय लगा रहे थे कि हम आपको वहां तक लेके चले। अब ब्रह्मा जी तपस्या पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और किसकी तपस्या कर रहे हैं? हमारे बहने भी हमारे सामने जो सब पुरुष बैठे हुए हैं, अगर किसी को एक असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ जाए और आपके पास आप एक अधिकारी हैं और आपसे ये कहा जाए आकर कि सर बहुत सारा काम हो गया, वर्कलोड बहुत हो गया हमसे, मुझसे अकेले नहीं होता, मुझे एक सहयोगी चाहिए, तो आप कितना समय लगाएंगे सहयोगी देने में? दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, आठ दिन, दस दिन, महीना, बहुत ज्यादा। अगर स्टाफ की कमी होगी तो नए स्टाफ के लिए भर्ती निकाल देंगे कि नया स्टाफ चाहिए। अगर यमराज जी जाते हो कहते मुझे प्रभु सहयोगी चाहिए, तो ब्रह्मा जी को सहयोगी देने में कितना समय लगता? उन्हें तो चंद मिनटों का थी, उनके जो मानस पुत्र थे वो उन्हें उनमें से एक दे देते। कितने ऋषि मुनि थे, बोले जा सबको ले जाओ, ये तुम्हारे सब सहयोगी हैं, ये तुम्हारा पूरा खाता बना देंगे। तो भगवान चित्रकूट जी यमराज के कहने पर नहीं आए, वो तो यमराज जो है अभी जो मंत्र बताया ओम यमाई धनराजा चित्रगुप्ताय वेगा, वही यम है, वही धनराज है, वही चित्रगुप्त है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। जब नत्थ दंड देना है तो यमराज है, जब धर्म का धर्म की बात आएगी और धर्म के आधार पर उनको लड़ने लेना होगा तो वो धर्मराज है। और जब हम सबको पुरस्कृत करना होगा, हम सबको हमारे अच्छे कर्मों का निर्णय लेकर उनको फल देना होगा, तो वो चित्रगुप्त होंगे। ये भगवान का स्वरूप है और इस स्वरूप को जानने के लिए ब्रह्मा जी अपने घोर तप पर बैठ जाते हैं और वो परम ब्रह्म परमेश्वर परम शक्ति का ध्यान करते हैं। ईश्वर एक है, जो परम शक्ति है, परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वही ईश्वर एक है। और यही पर पे मिथ्या कथा और थोपी गई कि ब्रह्मा जी की पूजा इसीलिए नहीं होती कि उन्होंने अपनी माँ सरस्वती को तो बेटी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। परम ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्मा में अंतर, ब्रह्मा जी अलग है और परम ब्रह्म परमेश्वर अलग है। ब्रह्मा जी परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने स्वरूप को विराजमान किया ब्रह्मा जी के रूप में, परम ब्रह्म परमेश्वर ने विराजमान किया माँ सरस्वती के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, वो उनके ही विराजमान करे हुए चरित्र हैं, उन्हीं के रूप में विराजे हुए भगवान माँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ना कि जो गलत कथाएं थोपी जाती है उससे हमें वास्तव में बहुत संकट हो, वही धर्म पे संकट है और वही कष्ट का विषय है हम सबका। ब्रह्मा जी के घोर तप से प्रसन्न होने के पश्चात एक सुंदर सा स्वरूप उनके सामने प्रकट होता है। ब्रह्मा जी इतनी सुंदर छाया अपने स्वरूप देखकर उन्हें लगता है कि बहुत समय से मैं तप पर हूं, मेरी नेत्र बंद है, उन्होंने आते खोली और एक सुंदर छवि देखी और देखने के पश्चात उन्हें जब लगा कि तो क्या है, उन्होंने तद नेत्र बंद कर दिया और फिर ध्यान में जाने लगे कि पता नहीं मैंने तो स्वप्न देखा हो और स्वप्न को दोबारा प्रभु क्या करते हैं, भगवान हम पर कृपा करो।
ऐसी चंद्र भिला ऐसी पुरस्कार और दंड भी देते पुरस्कार और दंड भी देते सिंहासन जब हर प्राणी ने कभी ना कभी पाप किए हैं, अनजाने नहीं किए हो। हाथ लगाओ तुम सर से ऊपर और ये कहना है प्रभु से क्या पाप मुक्त हो जाए स्वामी, पाप मुक्त हो जाए स्वामी, ऐसी कृपा करो मेरे चित्रगुप्त भगवान पर कृपा करो, मेरे चित्रगुप्त भगवान पर कृपा करो, होती है और कुर्सी का भी अपना ही एक महत्व है कि जब तक इंसान कुर्सी पर नहीं बैठता कर्मठ होता है, गली गली घूमता है, घरों घरों में जाता है और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है उसके बाद में क्या होता है तो वो नहीं बन रहा है। दोनों हाथ जरा सर से सीधे करिए और मीठी मीठी तालियां बजा के मेरे साथ गाइए हम पर कृपा करो
रूप भगवान की। देखिए अभी सनातन पर हम सब लोग बहुत ही गंभीर रूप से चिंतन कर रहे हैं और सनातन धर्म क्या केवल संतों का कार्य है बचाने का या आपका भी? वैसे तो कथा में अधिकतर माताएं प्रश्न पूछ लेती हैं लेकिन आज का हम सबको ही पूछने पड़ जाते हैं। एक छोटा संदेश हम आप सबको देना चाहते हैं निवेदन के साथ। हम सभी लोग जो हमारे सनातन के संस्कार हैं उसमें जन्म में प्रथम संस्कार होता है नामकरण संस्कार होता है बड़ा विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रों के साथ में। जिस दिन बच्चे का नामकरण करना होता है यज्ञ होता है सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है और बड़े वैदिक रीति रिवाज से सनातन धर्म उस बच्चे का नाम रखा जाता है और अगले वर्ष उसका जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन पे हम लोग क्या करते हैं केक मंगाते हैं और उस पर लिखा जाता है हैप्पी बर्थडे बच्चे का नाम। जो संस्कार एक वर्ष पूर्व हमने किया वैदिक मंत्रों के साथ किया सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद किया और एक वर्ष के बाद में जो वैदिक मंत्रों के साथ जिस नामकरण को किया था उसका नामकरण केक पर किया गया और चाकू से काट काट के उस नाम को बांट बांट कर खिला दिया गया। ये आप आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को या अभिशाप दे रहे हैं? ये आशीर्वाद नहीं ये अभिशाप है। हमने उसी बच्चे का जो नाम ईश्वर की शपथ लेकर ईश्वर को उस विराजमान करके दिया कि आज क्या नाम है उस पर चर्चाएं भी हुई इस सुंदर नाम रखा जाए ये नाम हो तो आज एक संकल्प लेकर जाइएगा और संकल्प केवल आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस संकल्प आपकी अन्य सखियों के पास आपकी बहनों के पास आपके परिवार के अन्य परिवारजनों के पास जन्मदिन के समय विशेष रूप से ध्यान रखें। दो कार्य बिल्कुल ना करें दो कार्य जो है वो दोनों ही हम सबके हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद रोज रोते हैं हमारा बच्चा बीमार है हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है इसकी बुद्धि व्यस्त हो गई है ये कुछ कार्य नहीं कर रहा है। जब काम ही गलत करोगे तो मेरे प्यारों कहां से उम्मीद करोगे कि उसमें भगवान कृष्ण जी के तरह लड़ने के धर्म के लिए कार्य करने का वो आ जाए। भगवान श्री राम की तरह वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाए हो सकता है संभव है जब हमने ही उनको गलत तरीके से पालन पोषण कर दिया। तो दो संकल्प लेना चाहिएगा। पहला संकल्प ये कि केक के ऊपर कैंडल नहीं लगेगी। मोमबत्ती लगाते हैं उसको फूंक से बुझवाते हैं। सनातन धर्म में अग्नि को फूंक से बुझाना महापाप माना है और सनातन धर्म में केक पर लिखा हुआ नाम काटना भी अगर पाप की श्रेणी में नहीं लिखा गया पहले भगवान को पता ही नहीं था हमारे ऋषि मुनियों को मालूम नहीं था कि हमारे ये जो बच्चे अच्छे अच्छे इतनी शिक्षा दे रहे हैं कल को ये लोग इस स्वरूप में आ जाएंगे और अपने बच्चे का नाम काट के बाहर बटवाने लगेंगे वरना उसने भी कुछ ना कुछ लिख के जाते नहीं लिखा। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि अगर हम कहीं पर सत्संग में जाएं हम संगत में जाएं हम कथा प्रवचन करने जाएं तो आप सबकी दृष्टि को इस रूप में खोलने का भी काम हम सबको करना। जो माताएं बड़ी बैठी है अपनी बहू बेटियों को भी रोकी हम दिखावे के चक्कर में रील बनाने के चक्कर में ये सब बहुत कार्य करने लगे। ये सब कार्य सारी जितनी गलत धारणाएं हैं
ये सारी बौद्धि सोची समझी प्लानिंग के साथ सीरियल और पिक्चरों के माध्यम से हमारे घर में प्रवेश करा दिया। तो जब आप जन्मदिन मनाएंगे तो वहां पर कैंडल नहीं जलेगी, वहां पर घी का दीपक जलेगा। बच्चे का तिलक करिए, आरती उतारिए, सबसे आशीर्वाद दिलवाइए। केक काटने हलवा बनवाइए, एक से बढ़िया बच्चे को देखो किस चीज का हलवा पसंद। अरे ब्रेड का केक भी काट लेगा, मन अच्छा लगता है तो एगलेस मंगवाओ, काट के उसे खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम नहीं होना। नाम लिखकर काटना क्या अच्छी बात है, बताइए, आप सब बताइए है गलत। आज के बाद हमारे अपने सनातन परिवारों में कहीं पर भी किसी भी रूप में ये गलत कारण नहीं होने। अब ब्रह्मा जी अपने नेत्र दोबारा बंद कर लेते हैं और प्रभु के भगवान चित्रकूट जी कहते हैं, प्रभु आपने आप इतना भोर तप क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या विपदा आने पड़ेगी जो आपको शेष लाखों वर्षों तक भोर तप करना पड़ा। अब भगवान ब्रह्मा जी द्वारा अपने नेत्र खोलते बोले, प्रभु आप कौन है, इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर छवि, ये देखकर तो ब्रह्मा जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए और बड़े ही प्रसन्न भाव से बोले कि हे प्रभु, मैं तो सहस वर्षों से लाखों वर्ष से परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप का परम शक्ति का आह्वान कर रहा था कि हे प्रभु, इस सृष्टि को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए आपका वो चौथा स्वरूप कहां पर है, क्योंकि यहां पर हम तीनों देवों को तो स्थापित कर दिया प्रयत्न कार्य करने को, लेकिन ये कार्य कर्म पर आधारित है, वो कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता कहां है। ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी बोले, हे प्रभु आप जिसका आह्वान कर रहे थे मैं वही स्वरूप हूं, मैं ही चित्रगुप्त हूं। Thank you.
भगवान जय चित्रगुप्त भगवान देखिए अभी प्रभु प्रकट हुए
भले ही बाल रूप में ना हो क्योंकि भगवान तो भगवान है, कुछ भगवान है जिनका बाल रूप नहीं है। और वो कौन है? जो निराकार स्वरूप ने अपना साकार स्वरूप जिनको प्रदान किया, वही चार स्वरूप है जो बाल रूप में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष अपने प्रश्नों के बाढ़ छोड़ दी। बोले हे प्रभु, ऐसा क्या समस्या इतनी बड़ी उत्पन्न हो गई जो आपको इतना घोर तप करना पड़ा? तो प्रभु ने जब बताया कि कर्मों के आधार पर फल देने का बताने का जो कार्य था वो देव चौथे रूप में आप नहीं दे सकी हमने, तो बोले अगर केवल दंड देने का ही कार्य करना था तो बच्चों को दंड देने का अधिकार पहला माता पिता को होगा। तो माता पिता इस रूप में आपने और मां सरस्वती ने क्यों नहीं दंड दिया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, हे प्रभु, अगर हम तीनों देव मृत्यु लोक जन्मे इन प्राणियों को दंड देने लगे तो हाहाकार मच जाएगा और सृष्टि का संहार हो जाएगा। और मां मां होती है, मां करुणावश घोर दंड नहीं दे सकती। जिस दंड के भागी अब वो आगे बन चुके हैं, जिनको हमने मानव रूप में जन्म दिया था वो आज मानव रूप में दंड बचा रहे हैं, उनको घोर दंड देना होता है। मां कितना दंड देती है? अगर कितना भी बालक कितनी बड़ी शैतानी क्यों ना कर ले, मां को जब गुस्सा आती है तो फेंक के चप्पल मार देगी, कुछ हाथ में होगा वो मार देगी, और थोड़ी देर में देखेगा चोट लगती है बच्चे के जाके मनाएगी, फ्रिज से निकालेगी रसगुल्ला रखा है हलवा रखा है ये खिला के उसको शांत कर देगी। तो बच्चे भी कहते हैं दंड करने के बाद में जो पिटने के बाद में मार भी खाने को मिल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, मां मां होती है, मां ममता और करुणा बस वो दंड नहीं दे सकती जिस दंड के इस समय ये भागी बन चुके हैं। इसलिए दंड देने के लिए और कर्मों का फल देने के लिए आपके लिए अवधित होने के लिए हमने संदेश देता। प्रभु के ऐसे वचन सुनने के बाद कुछ और पूछते उससे पहले ही ब्रह्मा जी बोले कि हे चित्रगुप्त, बहुत विलंब हो गया क्योंकि आपकी प्रतीक्षा सहस वर्षों तक, मुझे नहीं पता मैं कितने लाखों वर्षों से तप पर बैठा हुआ हूं, वहां पर दोनों देव और तीनों देवियां हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य केवल आप ही कर सकते हैं और आप के साथ वैकुंठ धाम को चलिए। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ धाम को चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ भगवान चित्रगुप्त जी जो वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं, चारों ओर प्रभु की जय जयकार होने लगती है। प्रभु श्री हरि नारायण मां लक्ष्मी के साथ अपने आसन पर विराजमान है, महादेव मां शक्ति के साथ अपने आसन पर विराजमान है, और मां सरस्वती अकेले बैठी हुई अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है कि प्रभु कब भगवान चित्रगुप्त जी को साकार रूप में लेकर आएंगे। वो अपने आसन पर विराजमान है और जैसे प्रवेश करते हैं चारों ओर जय जयकार होने लगती है, सब वहां पर जय जयकार करने लगते हैं, सभी देव गणों का जय जयकार करने लगते हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता तीनों माताओं को होती है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनका कोई बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। दोनों देव वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं और वहां पर दोनों तीनों माताएं बधाई गीत गाने लगती है। लोगों में बाजे, तीनों लोगों में बाजे, लोगों में बाजे, तीनों लोगों में बाजे, आयो रे आयो मेरो भैया, आयो रे आयो मेरो भैया, बधाई तीनों लोगों में बाजे।
ब्रह्मा जी से कहते हैं ये प्रभु आपने घोर तप किया अपने आसन के मां सस्ती के साथ विराजमान हो और आज बैकुंठ धाम में चौथा आसन बड़े गार्ड रूप में लहराया गया है और वहां पर भगवान चिपुर जी को आसन दिया जाता है कि आप विराजमान। श्री नारायण कहते हैं कि हे प्रभु ब्रह्मा जी ने घोर तप आपको साकार रूप में लाने के लिए इसलिए किया क्योंकि जब ब्रह्म परमेश्वर ने तीनों देवों के अपने अपने कार्य निर्धारित करते हुए अपने स्वरूप को तीन रूप में वर्णित किया था उस समय से एक स्वरूप रह गया क्योंकि सनातन धर्म जो है वो तो कर्मों के आधार पर है और इस धर्म में जो भी निर्णय होने हैं तो कर्मों के आधार पर होने वाले होने हैं। आप सदैव हर मनुष्य के जन्म से जो भी जीव जन्म लेता है जो प्राणी जन्म लेता है उसके जन्म से ही आप उसके चित्त में चित्त स्वरूप विराजमान रहते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है इस वक्त हमारे शरीर में उस सूक्ष्म शरीर भगवान जरूर जी सदैव विराजमान रहते हैं और हमारे द्वारा नित्य किए जा रहे कर्मों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। श्री नारायण कहते हैं कि आप सबके चित्त में जिस स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं और उसके द्वारा किए जा रहे नित्य कर्म जिस पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है उसके आधार पर उसको क्या फल मिलना है उसको किस योनि में प्रवेश देना है जब वो आत्मा उस शरीर को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम को आएगी तो उस आत्मा को किस योनि में प्रवेश दिया जाएगा ये भी कर्मों के आधार पर निर्धारित होना है और आप जब बताएंगे तभी ब्रह्मा जी उस आत्मा को उस योनि में प्रवेश दे। मुझे श्रीहरि कहते हैं मुझे मां लक्ष्मी को कर्मों के आधार पर यह निर्धारण करने का कि किसको अपार दुख देना है किसको अपार सुख संपत्ति देनी है किसको धारण दुख देने हैं ये भी कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। जिस प्रकार के कर्म मानव करेगा उस प्रकार के कर्मों के आधार पर उसके सुख और दुख का निर्धारण जो करने का कार्य है ये भी आपको करना होगा और ये भी जब आप बताएंगे तभी मां लक्ष्मी अगर उसको अपार सुख संपत्ति अपार दुख देगी। किस पुण्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करना है या नहीं करना है उसे कर्मों के आधार पर जब आप बताएंगे तब महादेव उसको मोक्ष प्रदान करेंगे। इसीलिए आज आपके चौथे स्वरूप की आवश्यकता थी और हमने परम ब्रह्म परमेश्वर परम शक्ति का आह्वान किया और आज चौथे स्वरूप में आप यहाँ पर विराजमान। साथ ही जितने भी देव ऋषि मुनि यहाँ पर विराजमान है जितने भी गंधर्व यहाँ पर विराजमान है ये आपके अधीन कार्य करेंगे। जिस प्रकार से हम तीनों देवों के सम्मुख समस्या उत्पन्न हुई निर्णय लेने में या दंड देने में वो आपके सम्मुख उत्पन्न ना हो इसलिए आप के समक्ष जितने भी ऋषि मुनि है ये आपके साथ मां शक्ति के साथ मिलकर विद्या देने का कार्य करेंगे। विद्या क्यों पूर्ण हो सकती है हम लोग विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। मैं सभी माताओं से प्यारे बच्चों से कहूंगा आपकी एक समस्या का निदान आज इस कथा को सुनने से और होने जा रहा है कि माँ सरस्वती का जब पूजन करें तो साथ में भगवान चित्रगुप्त जी का भी पूजन अवश्य करें। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को उनको स्थापित करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन होता है तब माँ लक्ष्मी का पूजन होता है उसी प्रकार से माता सरस्वती का पूजन तभी पूर्ण होगा जब आप भगवान चित्रगुप्त जी का भी पूजन करें क्योंकि प्रभु के पूजन के बिना माँ सरस्वती का पूजन नहीं हो सकता। माँ सरस्वती विद्या दायिनी है वो हमारे कंठ पर विराजमान है और भगवान श्री चित्रगुप्त जी लिपि लेखन के दाता हैं बुद्धि भी दाता है भगवान चित्रगुप्त जी का जो स्वरूप है जब प्रभु प्रकट हुए उनके चार हाथ थे एक हाथ में आशीर्वाद मुद्रा है
और एक हाथ में उनके दंड विधान, एक हस्त में लेखनी है और एक हस्त में पुस्तिका है। ये पुस्तिका हुई है जो हमारा परम ग्रंथ है। प्रभु के चित्रबुद्धि भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप सभी मनुष्यों के नित्य कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, इसलिए समस्त ऋषि मुनि समस्त प्रभु के अधीन किए श्री नारायण ने कि आप क्षेत्र का सांसद विधायक बना देता है, आपके लिए सेवा भाव कर देता है और कुछ लोग आप सेवा करते हैं और कुछ आपकी सेवा पाने आते हैं। यही है, ये कर्मों के आधार पर, क्योंकि कर्मों के आधार पर केवल एक दंड नहीं है, ये आपको मृत्यु दंड मिलना है या आपको घोर दंड मिलने हैं, आपके कर्मों के आधार पर सूक्ष्म दंड भी मिलने हैं जो हमें छोटे छोटे समस्याएं झेलनी पड़ती है। ये सूक्ष्म दंड है, ये हमारे कर्मों का व्रत है जो हम सबको भोगना पड़ता है। प्रभु श्री हरि नारायण कहते हैं जो ऋषि मुनि है मां शक्ति के साथ आप सबको शिक्षा दीक्षा देने का जो कार्य है वो भी आपको करना होगा। और इसी बीच में जब सभी देवों की बात हो जाती है, एक देव बिल्कुल शांत बैठे हैं, कौन से देव की आपने भी नहीं सुनी, ब्रह्मा जी ने जो कार्य कर लिया,
तीनों माताओं ने भी अपना कार्य कर लिया, श्री नारायण ने भी अपने सारे उपदेश दे दिए, समस्त कार्य दे दिए, परंतु अभी महादेव शांत बैठे हुए थे। महादेव मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे जगदम्बा भगवान, आपको केवल सृष्टि संचालन में ही व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करना है, इस सृष्टि उत्पत्ति के लिए भी कार्य करना होगा और इसके लिए आपको विवाह करना होगा। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी के माता नंदिनी माता इरावती के साथ विवाह, महादेव कहते हैं आपको विवाह करना होगा माता इरावती माता नंदिनी के साथ विवाह होगा। और आइए इस विवाह महोत्सव का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान चित्रगुप्त जी के साथ माता इरावती माता नंदिनी समझ भी आता है। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी का माता इरावती माता नंदिनी के साथ विवाह संपन्न होता है। स्थान से खड़े होगा, कुर्सियां छोड़ दो, जरा महोत्सव में शामिल हो जाइए, जूते चप्पल
ऊपर निकाल दीजिए और बारी बारी से देखिए ये मनमोहक जोड़ी, ये शाश्वत जोड़ी आपके सम्मुख है। इसका सभी मिलकर के सभी दूल्हा और दुल्हन को अपने आशीर्वाद दें, वारफेयर करें इनकी और झूमते नाचते हुए इस महोत्सव में सम्मिलित हों। माता नंदिनी के साथ विराजमान सभी देवों ने, सभी देवियों के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी उत्साह पूर्वक आपने देखा किस प्रकार से प्रभु का बैकुंठ धाम में स्वागत और युवा महोत्सव हुआ। श्री नारायण भगवान श्री चित्रगुप्त जी के साथ के समस्त कार्य को संभाल लिया। आज से देवलोक से लेकर मृत्युलोक तक कर्मों के आधार पर फल देने के साथ साथ दंड देने का अधिकार भी आपको ही प्राप्त हो और आप जो जग के न्यायाधिपति हैं, जो जग के न्यायाधिपति हैं, उनकी चांदी तनोमी सही है। जग के वृंदावन देखो, जो की अदालत लगी है। Bye.
प्रभु श्री चित्रगुप्त विराजे हैं ब्रज की पावन धरा पर और श्री चित्रगुप्त पीठ के रूप में अदालत प्रभु की सजी है और गुरु जी हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज उनके एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जिसकी भी अर्जी